ये झुमका भाकर है जो यहाँ की फेमस थाली है। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है। यहाँ से पार जाना, यहाँ पे बैठ के फ़ोटो और निकालना बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पे कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है पहले सेल्फी के चक्कर में, तो ये हुआ है। लेकिन बीच बीच में खुला है, तो मैंने अभी देखा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे फ़ोटो निकाल रहे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। यहाँ से अगर कोई थोड़ा सा भी अगर फिसल जाए तो डायरेक्टली वो नीचे ही जाएगा। तो वहाँ पे प्लान है मेरे, जैसे कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि नज़दीकी यहाँ पे गोवा जाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो अभी ये वो साइड से आया था, यहाँ पे आया, ये आखिरी प्लेस है सिंहगढ़ का, वेस्ट की तरफ पश्चिम दिशा में ऊपर की तरफ। और वहाँ से अभी मैं ये बाजू से ऐसे आगे आगे जाऊँगा। मैं यहाँ से, यहाँ पर भी ये पत्थर के रोड बनाए हुए हैं, यहाँ से आप चल के जा सकते हैं। ये कुछ मोबाइल के टावर वगैरह है यहाँ पे फोर्ट के ऊपर। ये पुना के एकदम पास में ही ये फोर्ट है। अगर कभी आते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे विज़िट कीजिए, देखने जैसा है। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सीनरी भी अच्छी है, यहाँ से आप पूरा पुणे सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से खड़े घोसला डैम भी दिखाई देता है पूरी तरह से। लाइन है यहाँ पे, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसे ही ये यहाँ पे रेलिंग लगाया हुआ है, लेकिन बीच बीच में खुला है। तो मैंने अभी देखा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे फ़ोटो निकल रहे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। यहाँ से अगर कोई थोड़ा सा भी अगर फिसल जाए तो डायरेक्टली वो नीचे ही जाएगा। तो वहाँ पे देखिए, अब यहाँ से नहीं दिख रहा, वहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे प्लेस पे बैठ के, यहाँ पे एक लड़का बैठा है, पीछे लड़की फ़ोटो निकल रही है उसका। अगर वो यहाँ से थोड़ा सा भी आगे जाता है, स्लिप होता है, तो उसकी जान तो जाएगी जाएगी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। वो देखिए, वो जो दो लड़के हैं वहाँ पे, देखिए दो लड़के और एक लड़की वहाँ पे, वो इस तरीके से फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो ये ख़तरनाक है उनके लिए, उनको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से पूरा पुणे सिटी का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। ये जो साफ सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा पुणे सिटी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग अभी भी आ रहे हैं। वीकेंड्स पे यहाँ पे पुणे पुणे सिटी की जितनी भी, मतलब बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे आते हैं, फैमिली से सब लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट लोग भी होते हैं यहाँ, मतलब महाराष्ट्र से, जिनको जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, फोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कुछ हिस्ट्री हुई है वो महसूस करने का कोशिश करते हैं। मैं एक साइड से आया, ऊपर से वो बाजू से, वो साइड से आया मैं, अभी ये दूसरी बाजू से वापस मैं रिटर्न जा रहा हूँ। तो बीच बीच में देखिए आप, ये रेलिंग के उस पार ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई है। यहाँ से पार जाना, यहाँ पे बैठ के फ़ोटो और निकालना बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पे कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है पहले सेल्फी के चक्कर में। तो ये आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए, यहाँ पर मत आइए। आपको अगर देखना है तो आप रेलिंग के पीछे ही खड़े रह के यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ से रिटर्न जाते समय बीच में एक ये समाधि दिखी, कुछ छत्रपति राजाराम महाराज समाधि ऐसा कुछ लिखा है। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें।
यहाँ पे कैसा है, इसके बीच में ये छोटा सा कुआं है, पानी है उसके अंदर, यहाँ पर भी पानी की आवाज़ आ रही है। ये देखिए कैसा है, पानी रिस रहा है वहां से। छोटा सा ये पानी का तालाब है और यहाँ पे ये छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि है। देखते हैं यहाँ पे कैसा है। ये कुछ मंदिर के अंदर का नजारा है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे एक दिया जल रहा है। अभी जो आपने ये जो स्मारक देखा नीचे, ये 1700 सन में बनाया हुआ था। ये स्मारक जो है ये छत्रपति राजाराम उनका है। जो छत्रपति राजाराम कौन थे, जो शिवाजी महाराज की जो बीवी थी उनका जो नाम था सोयराबाई रानी साहेब, उनका उनकी ये संतान थी राजाराम। तो ये उनका एज तकरीबन 30 होगा, तो 30 उस तब वहाँ पे उनको एक बीमारी लग गई और कुछ उस बीमारी में वो चल बसे। तो इसके लिए उनकी जो माँ है उन्होंने वहाँ पे ये स्मारक बांधा था। तो अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ है उससे, जैसा था वैसा ही है। ये देखने लायक है, कभी अगर आप कभी आए यहाँ पर ये देखिए आप, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी जितने भी अवशेष है पुरानी चीज़ों के, उसमें से ये अभी तक अच्छी हालत में टिकी हुई है यहाँ पर। तो बहुत ही कम ऐसे पुरानी चीज़ों के अवशेष यहाँ पे है जो अच्छी तरह से अभी तक शाबुत यहाँ पे पड़े हुए हैं, शाबुत यहाँ पे है अभी तक टिके हुए, कुछ हुआ नहीं है उनको। तो उसमें से ये एक उनका जो स्मारक है ये भी जैसा था वैसे ही अभी तक ठीक तरह से है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। छोटी सी होटल है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे वो जो आपको मैं बोला था झुमका भाकर, वहाँ भी यहाँ पे जो फेमस है वो मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे होटल हैं छोटे मोटे। तो अभी यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ मैंने मंगाया है। ये होटल है छोटा सा, तो यहाँ पे ऐसी इस तरीके से ही सभी होटल है। यहाँ पे पिटला भाकरी स्पेशल थाली, प्याज का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, मिर्ची पकौड़ा, कांदा पोहा, मसाला मैगी, सादी मैगी, कुल्हड़ वाला दही, छाछ, लस्सी, हरा मिर्ची का ठेचा, लाल ठेचा, इतना मिलता है। अच्छा, बहुत कुछ मिलता है फिर यहाँ पे, और चावल भी रहते हैं महीने का चावल। ओके ओके। टूरिस्ट ज़्यादातर कौन से सीजन में रहते हैं यहाँ? जितना बारिश रहेगी उतना। अच्छा, बारिश के सीजन में ज़्यादा रहते हैं? ज़्यादा है। जैसा कि मैं सोच रहा था कि बारिश के सीज़न में ही यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट होंगे, तो ये बारिश के सीज़न में लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कोई से हाइट पे है, बारिश में भीगना लोगों को अच्छा लगता है, और यहाँ पे आते तो गर्मा गर्म खाना भी मिलता है। आजू बाजू सब नज़ारे अच्छे रहते हैं, फॉग नीचे आया हुआ तो बादल नीचे आए हुए होते तो लोगों को यहाँ पे आना अच्छा लगता है। ऊना के जितने भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो सीज़न में बारिश में भी आते हैं और गर्मियों में भी आते हैं। अभी दिवाली की छुट्टियाँ लग जाएंगी तो भी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। अभी आज थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं मंडे की वजह से, अभी वीकडेज है इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने अभी थाली एक मंगाई है झुमका भाकर की, मैं बताऊँगा आपको कैसे है वो। चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जितने भी जैसे होटल्स हैं बाजू बाजू में, तो यहाँ पर आप ऑर्डर देख के बाजू में ये झाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप जो देखेंगे इन झाड़ियों के अंदर जाके बैठ सकते हैं। वहाँ पे नीचे बिछाया हुआ है बैठने के लिए, आप फैमिली से आके आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर देके यहाँ पे आप अंदर जाकर बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपने बोला है वहाँ पे ये लोग खाना के वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ पे नीचे बैठ के खा सकते हैं, तो इसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है।
तो ये झुमका भाकर है जो यहाँ की फेमस थाली है, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है। ये कुछ ज्वारी का रोटी है, ये बेसन का सब्जी है, ये कुछ प्याज और कुछ मिर्ची का चटनी है, ऐसा कुछ होता है। ये जस्ट 40 रुपीज़ में, 40 रुपये में। तो अभी मैं खाता हूँ। यहाँ पे 4 बज चुके घूमते हुए, मुझे यहाँ पे 2 घंटे हुए, तो 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चलो अभी खाना हो चुका है, अभी निकल रहा हूँ मैं, वापस नीचे जा रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सिर्फ एक कुछ 2-4 मेन पॉइंट थे वहीं पर ही मैं गया। अगर पूरा घूमना है तो और समय लगेगा, मतलब पूरा अगर फोर्ट का चक्कर लगाना है तो और समय लगेगा, लेकिन उतना मैंने किया नहीं। जो मेन पॉइंट थे वहीं पर गया, जैसे कि वो तानाजी मालूम से समाधि है, उसके पीछे तानाजी पॉइंट है, ऐसे 2-3 जगह थे, वहाँ पर ही गया मैं सिर्फ। तो अभी मैंने यहाँ पे वो खाना खाया, अच्छा खाना था, बढ़िया था, आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बर्फ का गोला मिल रहा है। यहाँ पे कुछ फ्रूट सलाड है, पेरू है, काकड़ी है। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ से इनके पास से कुछ पेरू खरीदे हैं खाने के लिए। तो बीच बीच में ऐसे कुछ स्टॉल से जो लोग यहाँ पे कुछ सलाड बेच रहे, तो मैंने यहाँ पे ये लिया है, सिर्फ 20 रुपये में है। और एक चीज़ दिखाने जैसी है यहाँ पे, दिखा है, मैं अभी वापस जा रहा था, मुझे तो अभी ये दिखाई दिया, घोड़े अच्छी पागा ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिखे हुए, इसकी मतलब जानकारी कुछ लिखी हुई है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये। ये पत्थर के अंदर ऐसा कुछ काम किया हुआ है, पत्थर के अंदर जैसे गुफाएं होती है वैसा कुछ बनाया हुआ है। ये पानी का टंकी जैसा कुछ, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पानी का टंकी जैसा कुछ यहाँ पे बनाया हुआ था। ये अंदर आप आके देखेंगे किसी गुफा की तरह है ये, और यहाँ पे ऐसे खंभे लगे हुए देखिए गुफा के अंदर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये पानी, गंदा पानी और साफ पानी, ये दोनों मिक्स ना हो, साफ पानी साइड में रहे, गंदा पानी साइड में रहे, इसके लिए बनाया हुआ था ऐसा। सिर्फ मिथक है, एग्जैक्टली पता नहीं ये किस लिए है। ये घोड़े के लिए भी जगह शायद से हो सकती है, घोड़े रखने के लिए ऐसा भी बोला जाता है। तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ये हिस्ट्री में किस वजह से ये जगह बनाई हुई थी। चलो हम अभी बाहर निकलते हैं। और एक जगह है तोफ खाना कहा जाता है इसे, तो ये मेन रोड के साइड में ही है, थोड़ा सा अंदर की तरफ, आप सामने जो देख रहे हैं। यहाँ पे जो तोफ रहते हैं वो तोफ यहाँ पे रखी जाती थी उस टाइम पे। और ये बात आप ध्यान पे रखिए, यहाँ का जो टाइमिंग है सिंहगढ़ का, वो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही, 6 बजे के बाद आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, आपको यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। हाँ टका, ये देखिए यहाँ पे दही भी मिलता है आपको, आपको अगर दही खाना है तो दही भी शक्कर डाल के मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे जो ये लेडीज बैठी है, इन्होंने मुझे 10 रुपये में दिया सर, क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म होने को आ गए थे, यहाँ पे स्कैनर चलता नहीं है, तो मेरे पास कैश थे नहीं, फिर भी उन्होंने मुझको ये दे दिया है। अभी मैं खा के देखता हूँ, ये मैं वैसे वापस जा रहा था, वापस जाते समय मुझे यहाँ पे दिखा ये, तो दही खाना अच्छा लगता है, तो मैं खाता हूँ। मैं अभी मैं बसु गए थे, बस
हाँ रेंज का प्रॉब्लम ना। दे दो 1000 रुपये दो। एक बात बताता हूँ, ये जो दही है ये आज तक मैंने ऐसा कभी खाया नहीं है, इतना ये इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है। अगर कभी आप यहाँ पे आते हैं तो ये मटका दही बोलते हैं इसे, आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे ऐसा दही मैंने आज तक कभी खाया नहीं है, इतना अच्छा है ये। तो जिनको भी ये अच्छा लगता है आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 बजे आया था, अब यहीं पे 4:30 बज रहे, तो घूमते घूमते कैसे समय निकला पता ही नहीं चला, तो अभी मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि जाते समय मैं जिस साइड से आया था खड़कवासला डैम से, तो अभी सोच रहा हूँ कि जाते समय वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो वहाँ से जाने से अच्छा दूसरा एक रास्ता है यहाँ से कोंडनपुर से, तो वो भी रास्ता अच्छा है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ वहाँ से जाने का, वो अलग रास्ता है, बीच में से यहाँ दूसरे साइड में जाना पड़ता है। तो मैं भी वापस आ चुका हूँ पार्किंग में। तो ये सब सिर्फ मैं मेन पॉइंट पे गया था, फिर भी मुझे तकरीबन 2.5 घंटा लगा घूमने के लिए। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कब आना, कैसे आना है, क्या क्या घूमना है। तो अब मैं सब मतलब ऊपर मैंने कुछ होटल में कुछ देर रुका भी था वहाँ पे, तो ये सब एरिया घूमते हुए अब मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पे पार्किंग एरिया में। ये पार्किंग एरिया है यहाँ का, पहले यहाँ पे होटल्स लगे हुए थे लेकिन अब यहाँ पे होटल्स नहीं, ये पूरा पार्किंग किया हुआ है। और आप वीकेंड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो हो सके अगर किसी के पास टाइम है तो वीकडेज में आइए, वीकडेज में आप ये अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगले भी कुछ टूर प्लान है मेरे, जैसे कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि नज़दीकी यहाँ पे गोवा जाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो अभी शायद से अगले कुछ दिनों में मैं जाऊँगा वहाँ पे। और उसके बाद जो मेरा एब्रॉड का जो एक ट्रिप है बाय रोड ही है, वो एक्चुअली इंडिया से है एक जगह पे, आपको बताऊँगा मैं कैसे क्या है, बाय रोड ही जाने वाला हूँ। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरा अगली जो ट्रिप रहेगी शायद से गोवा रहेगी, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, टाइमिंग का थोड़ा सा एडजस्ट करके मुझे जाना है। और उसके बाद मैं अब्रॉड की सोच रहा हूँ, बाहर की एक बाहर के कुछ कंट्रीज़ है, 4 to 5 countries है, वहाँ पर मैं बाय रोड ही जाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं लास्ट टाइम इंडिया टू रशिया बाय रोड गया था, वैसे ही उस तरीके का ही ये अगला ट्रिप रहेगा। तो उस पर अभी वर्किंग चालू है, कैसे जाना है, क्या जाना है, वो सब फिक्स होने का, फाइनेंस का भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो भी चल रहा है अभी, वो भी सब सॉल्व करने का चल रहा है। वो होने के बाद मैं वहाँ पर भी इंडिया से बाय रोड ही जाऊँगा वहाँ पे। वो भी जैसे मेरा इसके ऊपर वर्किंग ख़त्म हो जाएगा, कैसे जाना है, क्या करना है, फाइनेंस कैसे एडजस्ट करना है, तो उसके बाद मैं वो ट्रिप मारूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो अगला ट्रिप तो मेरा शायद से गोवा का ही रहेगा। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।